मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी है। हर बार कार सेल्स रिपोर्ट में मारुति की गाड़ियां टॉप लिस्ट में आती है। इंडियन मार्केट के लिए प्रेजेंट टाइम मारुति सुजुकी के पास काफी सारी कार्स अवेलेबल है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट के बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को देखते हुए मारुति सुजुकी अपने कुछ न्यू एंड फैसिलिट एसयूवीज को इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च करेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने मारुति की अपकमिंग एसयूवीज को कवर किया है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मारुति सुजुकी ब्रेजा फैसिलिट। ब्रेजा मारुति की तरफ से एक मोस्ट पॉपुलर एसयूवी है, हालांकि ये सिर्फ पेट्रोल वर्जन में ही अवेलेबल है। इसके डीजल वेरिएंट को कंपनी ने BS6 नॉर्म्स लागू होते ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। ब्रेजा के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी। नेक्स्ट जन ब्रेजा में काफी सारे लेटेस्ट अपडेट दिए जाएंगे, जिनमें की इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्टेयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर, लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल जोन टेम्परेचर कंट्रोल, फुली LED हेडलैम्प विद आईब्रो स्टाइल LED DRLs, न्यू ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स एंड ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट जन ब्रेजा को कंपनी पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन में भी लॉन्च करेगी। इसकी एक शोरूम प्राइस 8 लाख से 13 लाख रुपीज के बीच रखी जाएगी। मारुति सुजुकी विटारा। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा को कम्पीटिट करने के लिए मारुति के पास प्रेजेंट टाइम कोई भी एसयूवी मौजूद नहीं है। इसी को कम्पीटिट करने के लिए मारुति सुजुकी अपनी विटारा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। मारुति की अपकमिंग विटारा को ग्रैंड विटारा नाम भी दिया जा सकता है। मारुति विटारा एसयूवी में मेन फीचर के तौर पर ड्यूल हेडलैम्प मिलेंगे, जिसमें की प्रोजेक्टर एंड हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें LED DRLs, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रियर स्लिक LED टेल लाइट्स, ड्यूल टोन डैशबोर्ड विद लेदर अपहोल्स्ट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, फुली डिजिटल IMD जैसे कनेक्टेड फीचर ऑफर किए जाएंगे। मारुति विटारा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ साथ 2 लीटर डीजल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। मारुति सुजुकी विटारा को ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 12 लाख से 16 लाख रुपीज के बीच रखी जाएगी। मारुति सुजुकी जिमनी। मारुति सुजुकी जिमनी मारुति की डिसकंटिन्यू की गई मोस्ट कैपेबल ऑफ रोडिंग एसयूवी जिप्सी का ही एक अपडेटेड वर्जन है, जिसे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो भी गया है, लेकिन कंपनी अभी सिर्फ एक्सपोर्ट मॉडल को ही मैन्युफैक्चर कर रही है। जिमनी को इंडिया में 3 डोर या 5 डोर वेरियंट के साथ उतारा जाएगा। जिमनी को इंडियन मार्केट में 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन में उतारा जाएगा। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा। जिमनी की एक शोरूम प्राइस 7 लाख से 10 लाख रुपीज के बीच रखी जाएगी। मारुति की इन अपकमिंग एसयूवीज की लॉन्च कंफर्म होते ही न्यूज अपडेट कर देंगे। तो गाइज, मारुति की अपकमिंग एसयूवीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।